हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज की मेरी नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास है वॉशिंग मशीन की एक न्यू मोटर, यानी कि और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस मोटर को किस प्रकार से चेक करते हैं, कि इसमें क्या खराबी है, क्या दिक्कत है, सब चीजें आज आप लोगों को मैं फुल इन्फॉर्मेशन के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप दोस्तों इसमें तीन तार देख रहे हैं, हर किसी भी मोटर में सबमर्सिबल की हो, ए टू जेड किसी भी छत या पंखे की हो या फिर वॉशिंग मशीन की हो, ए टू जेड कोई भी वॉशिंग मशीन हो उसमें तीन वायर ही होती है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो दोस्तों आप किसी भी प्रकार की जो मोटर है उसको चेक करना सीख जाएंगे कि किस प्रकार से हम मोटर को चेक करें कि वो सही है या खराब है। ठीक, तो आप देख रहे हैं हमारे पास तीन वायर है। ठीक है, हर एक वॉशिंग मशीन की मोटर में, किसी भी मोटर में तीन ही वायर होते हैं और तीन वायर रहे ये हैं। तीन वायर का मतलब होता है एक रनिंग, एक स्टार्टिंग और एक मैन। ठीक है, यानी कि जो रनिंग और स्टार्टिंग जो वायर्स होती हैं दोस्तों, उसमें हमारा कैपेसिटर लगा हुआ होता है, जो मैन होती है वो डायरेक्टली मैन सप्लाई की होती है। ठीक, और हमारे पास है दूसरी ये कंटिन्यूटी, इस प्रकार की देख सकते हैं। इसका जो दोस्तों काम होता है वो इस प्रकार से, अगर आप इसको लगाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ग्लो करेगी। ठीक है, यानी कि जैसे सीरीज बोर्ड काम करता है वैसे ही सेम टू सेम हमारी ये कंटिन्यूटी काम करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जैसे हमारे तीन वायर है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, इसको चेक करने के लिए ये खराब है सही है, इसकी बाइंडिंग अंदर से फूटी हुई तो नहीं है, इसके जो तार हैं वो कहीं से कटे हुए तो नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों को ये तीन तार एक जगह पहले अमेट लेने हैं इस प्रकार से। ठीक, आप लोगों को तीनों जो वायर है इसको इस प्रकार से अमेट लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, एक ये जो वायर है हमारा कंटिन्यूटी का, और कंटिन्यूटी का वायर को भी इस पर अमेट देना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को करनी क्या है, इसकी जो अर्थिंग है वो चेक करनी है कि हमारी जो मोटर है वो कहीं से वाइंडिंग अंदर से फूटी हुई तो नहीं है, अर्थिंग मोटर ले रही है या नहीं ले रही है। ठीक है, जो अर्थ मारती है, जो आपकी वॉशिंग मशीन करंट मारती है, उसका 90% जो दोस्तों कारण होता है वो होता है आपकी मोटर की बाइंडिंग शॉर्ट होना, यानी कि जो मोटर की तार होते हैं अंदर से अगर कहीं जल के वो बाडी पे टच हो जाते हैं तो हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो अर्थ मार लगती है, यानी करंट मारती है बहुत तगड़ा वाला, जिससे आपका बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, उसको ही चेक हम डायरेक्टली करेंगे। इस प्रकार से तीनों वायर हमने एक जगह करा है, और ये जो हमारी कंटिन्यूटी का दूसरा वायर है इसको यहाँ करा है, और जो ये जो हमारा इसका थिम्बल है जिससे हम यहाँ इस प्रकार से चेक करेंगे ये जल रही है। ठीक है, यहाँ हमने वायर लगा दिया, और उसकी बॉडी पे हम इस प्रकार से टच करेंगे कि हमारी जो कहीं से अर्थिंग तो नहीं ले रही है, जो इसकी जो बॉडी है हमारी कहीं से भी फूकी हुई तो नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी अर्थिंग तो मोटर नहीं ले रही है, तो इस कंडीशन में क्या आप जो हमारी मोटर है वो लगभग 50% ठीक मानी जाती है। ठीक है, इस कंडीशन में हमारी मोटर 50% ठीक मानी जाती है। अब आप लोगों को करना क्या है, ये वाले वायर को हटा देना, तीनों वायर को आप लोगों को अलग अलग कर देना। ठीक है, अब आप लोगों को देखना है इसमें मैन कौन सी वायर है। ठीक है, तो मैन सब लोग जानते हैं कि कौन सी वायर है, अगर आपने मैन अभी तक नहीं पहचाना कि कौन सी मोटर का मैन है तो आप नीचे में लिंक में डिस्कशन में जो वीडियो है दे दूंगा किस प्रकार से मैन चेक करते हैं मोटर का, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से सबसे पहले आपने क्या करना है, एक मैन ये जो कंटिन्यूटी का तार है वो मैन पर लगा देना है। इस प्रकार से हम लगा देते हैं मैन पर, और बारी बारी से इन दोनों वायरों पे हम चेक करेंगे, ये जो दो वायर है इन पर चेक करेंगे कि जो हमारी कंटिन्यूटी है वो इस प्रकार से जल रही है या नहीं जल रही है। ठीक है, दोस्त देख सकते हैं हमारी जो कंटिन्यूटी है वहाँ पर ग्लो कर रही है, इस पर भी देखेंगे हमारी जो कंटिन्यूटी ग्लो कर रही है, नहीं इस पर भी हमारी जल रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इस वाली वायर को इसको हटाते हैं, अब इन दोनों पर डायरेक्टली चेक करेंगे उसको हटाने के बाद, यानी कि जो मैन है उसको छोड़ देंगे और उस पर चेक करेंगे कि हमारी जल रही है। तो दोस्तों यहाँ भी हमारी जल रही है, इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी जो तीनों वायर है वो अंदर से एकदम से ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में हमारी मोटर ठीक है। मान लीजिए इस तार पे लगाया, उस तार पे लगाया, अगर हमारी कंटिन्यूटी ग्लो नहीं हुई तो दोस्तों हमारी इस कंडीशन में जो मोटर है वो खराब है। ठीक, तो मैं मानता हूँ दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि किस कंडीशन में हमारी मोटर खराब होती है, किस कंडीशन में हमारी मोटर सही होती है। तो दोस्तों आप इसकी मदद से हर चीज, कोई भी मोटर हो, छत या पंखा हो, वो सारी चीजें जान सकते हैं कि वो खराब है या सही है। मैं मानता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।